नमस्कार मित्रों, बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट थर्ड हिंदी के अंतर्गत हमारा चल रहा था द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों की यदि बात करें तो भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भारतेंदु युग के अंदर जो प्रवृत्तियां शुरुआत थी वो द्विवेदी युग के अंतर्गत आकर अपना पूरा रूप दिखाने लगी। तो ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग का विस्तार है। द्विवेदी युग भारतेंदु युग का विस्तार है। तो मैं बात कर सकता हूं कि द्विवेदी युग के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। देखिए, द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से 1920 तक है, तो इस समय भारत गुलाम था, तो राष्ट्रीयता की भावना इसकी पहली प्रवृत्ति होगी, राष्ट्रीयता की भावना। अब जब राष्ट्रीयता की भावना आ गई तो सामाजिकता की भावना भी प्रबल होगी। सामाजिकता की भावना, हमारे पुराने नीति और आदर्श को नए रूप रंग से दिखाया गया, इसलिए कह सकता हूं कि पुनरुत्थान की प्रबलता, पुनरुत्थान की प्रबलता। अब द्विवेदी युग को दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इस युग की बुराइयों को दिखाया गया। लेकिन इस युग की जो इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति है वो है नीति और आदर्श। नीति और आदर्श को माधव प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी सख्ताई प्रबलता से लिया कि नीति और आदर्श पर चलकर ही हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। यहां पर नीति और आदर्श पौराणिक पात्रों को भी बड़े आदर्शों के साथ प्रस्तुत किया गया, कहीं पर छिछोलापन खुलेपन की मनाही थी। नारी की महत्ता और गरिमा को इस युग में बनाने के लिए विशेष प्रयास हुए। बाकी पौराणिक प्रवृत्ति जो प्रकृति चित्रण भी रहा, यहां खंड काव्य लिखे गए, मुक्तक काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, छंद वैविध्य भी रहा, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ, गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। कहने से तात्पर्य द्विवेदी युग पूरे आदर्शों और नीतियों से बंधा हुआ युग था। अब हम यदि इस युग के कवियों की बात करें तो हालांकि इस युग में आदर्शवादी कवि ज्यादा थे, मतलब अनुशासन में रहने वाले कवि, अनुशासन और आदर्श में रहने वाले कवि थे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनसे युग की शुरुआत हुई है, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इस प्रकार के कवि थे जो इस युग में अनीति और आदर्श से बंधे हुए थे। रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, नीति और आदर्श से बंधे हुए थे, अनुशासन से बंधे हुए कवि थे। अब देखो, इस युग में स्वच्छंद धारा के कवि भी थे। स्वच्छंद धारा, अनुशासन थोड़ा हटे भी थे अलग से, भी स्वच्छंद धारा के कवि थे जो पूर्णतः
द्विवेदी युग की मार्ग प्रसाद द्विवेदी की कलम के अनुसार थोड़े स्वच्छता से भी चले। देखिए नाथुराम शर्मा शंकर, नाथुराम शर्मा शंकर मुकुटधर पांडे, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी। राम देखिए इन कवियों का विस्तर अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। फिलहाल आपको द्विवेदी युग के कवियों का परिचय दिया है कि कौन कौन से कवि है। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि थे। अब इसके अंदर अपने नाम ले सकते हैं रूप नारायण पांडे, कुल मिलाकर के स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे। नाथुराम शर्मा शंकर, रूप नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी थे, राय देवी प्रसाद पूर्ण भी थे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये इस युग के थोड़े स्वच्छंद काव्य धारा कवि थे। लेकिन अब बात करूं तो ये सभी कवि द्विवेदी युग के ही हैं, द्विवेदी युग के सभी कवि हैं। इनका द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां और इन कवियों का परिचय, इसका विस्तृत विवरण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।